प्लीज थोड़ा और लीजिए। अरे नहीं नहीं बस बदला जी, बहुत हो गया। बेटा तुम कुछ नहीं ले रही? हमारा पेट भर गया है। पेट भर गया है या फिर डाइटिंग कर रही हो? अरे नहीं, मेरी बेटी को तो डाइटिंग के नाम से नफरत है। बहन जी यही तो बच्चों के खाने पीने की उम्र है और ये डाइटिंग तो बस एक फैशन सा बन के रह गया है। क्यों नीलम? बिल्कुल, और अगर डाइटिंग पसंद नहीं है तो जाहिर है अच्छा खाना पसंद है। जी हाँ। और अगर अच्छा खाना पसंद है तो पकाना भी जानती होगी? जी नहीं, बस ठीक ठीक पका लेते हैं। गुड, इसका मतलब ये है अगर नौकर छुट्टी पे जाए तो गुजारा अच्छी तरह हो जाए। आप कुछ और प्लीज थोड़ा दीजिए। नहीं बस बता जी, अब तो हमें आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आपकी बेटी। विशाल ने खुशी को देख लिया है और पसंद कर लिया है, और अब हमने भी देख लिया, हमें आपकी खुशी बहुत पसंद है। शर्मा गए। अब मैं क्या करूं? संजना, बोल मेरी जिंदगी की खुशी, क्या हुआ? हमें आधे घंटे में ग्रीन कोर्ट में मिलो। अभी इस वक्त? That's not possible. क्यों? क्योंकि डार्लिंग इस वक्त मैं अपने फेवरेट कंपनी M&M के रिसेप्शन में खड़ी हूँ, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई हूँ। एंड डार्लिंग तुझे पता है ना ये इंटरव्यू मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अब तो मेरी मजबूरी समझ रही है ना? तुम हमारी मजबूरी नहीं समझ रही हो, हमारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़के का रिश्ता आया है ना? अगर लड़की का रिश्ता आया होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। Shut up, संजना, I'm serious. लड़की के माँ बाप ने हमें देखकर हाँ कर दी है, लड़की ने भी हाँ कर दी है, लेकिन हमने अभी तक लड़की को देखा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। संजना तू तो जानती है हम शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इस बार मामला सीरियस है और मम्मी हमारी एक नहीं सुन रही। हूँ क्या? तू आ रही है ना? हाँ मैं आ रही हूँ, मैं बिल्कुल आ रही हूँ, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद। यू नो ना स्वीट हार्ट, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ की जनता जनार्दन को देखकर तो ऐसा लगता है कि शाम तो हो ही जाएगी। बट डोंट वरी यार, एज सून एज आई फिनिश माय इंटरव्यू ना मैं सीधा तेरे पास ही आ रही हूँ। ओके? तो फिर तू एक ही बार आना, और वो भी हमारी शादी हो जाने के बाद। कम ऑन खुशी। अरे खुशी, ओहो तू रोना मत खुशी, स्टॉप क्राइंग, यू नो आई हेट दिस इमोशनल शिट। देख अगर तूने रोना बंद नहीं किया ना तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी, समझी? तो तू आ रही है ना? हाँ बाबा आ जाऊंगी, तो श्रुति को भी बुला लेना। ओके? या ऑफ कोर्स। एंड संजना, हाँ, यू आर डैम क्यूट। स्टूपिड। राजीव है अंदर? एमडी साहब तो इंटरव्यू ले रहे हैं। आप कौन? संजना खन्ना, तुम्हारे एमडी साहब की साली। कहीं जीजू लड़कियों का इंटरव्यू तो नहीं ले रहे? ओह माय गॉड, जीजू लड़कियों का इंटरव्यू ले रहे हैं? अगर दीदी को पता चला ना तो वो बहुत नाराज होगी। आई हैव टू सी हिम राइट नाउ। डोंट इनफॉर्म हिम, ही लाइक्स टू बी सरप्राइज्ड। आपने मुझसे कहा था कि 5 मिनट बाद फोन करना, अब तो आप प्लीज श्रुति को बुला दीजिए ना। तो आपने 5 मिनट बाद ही फोन कर दिया? अरे बाबा कैसे बुलाएगा, अभी मैं दाढ़ी बनाता है। बहुत जरूरी काम है वरना मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ठीक है बुलाता है। अरे फोन है श्रुति। अरे श्रुति जी बुआ, तेरा फोन है बैनर्जी की यहाँ, खुशी का ही होगा, जल्दी जा नहीं तो मोहल्ला सिर पर उठा लेगा। Yeah.
चिल्ला क्यों रही हो? मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ? ओह अंकल, जरा वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। हाँ बोल। हमारी माँ ने हमारी शादी पक्की कर दी। अच्छा, किससे? हमें नहीं मालूम, किसी विशाल से। तुम्हें और संजना को हमें इस मुसीबत से निकालना होगा। हाँ तुमने सही कहा, शादी है तो मुसीबत। डोंट वरी, शाम को हम लोग मिलेंगे और कोई ना कोई सलूशन जरूर निकाल देंगे। ठीक है? शाम को नहीं, अभी। अभी नहीं आ सकती मैं बाबा। आधे घंटे में ग्रीन कोट। मैंने कहा ना नहीं आ सकती अभी। तो फिर शाम को भी आने की कोई जरूरत नहीं। सुन तो बात मेरी। हेलो हाय, I'm Sanjana, your new marketing executive. Actually ना, मुझे थैंक यू तुम्हें कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे पहले अंदर जाने दिया। Relax, now we're friends, okay? तुझे क्या जरूरत थी वहाँ पर उमरा और जान बनकर बैठने की? खुद तो वहाँ पर बैठ गई कि आइए मुझे सिलेक्ट कीजिए, और अब यहाँ पर बैठकर रोने से क्या फायदा? तुझे वहीं पर कुछ करना चाहिए था ना खुशी। हम क्या करते संजना? लेकिन अब हम क्या करें? पहले तू एक नई नवेली दुल्हन बनकर हाँ जी ना जी कहकर अपने आप को सिलेक्ट करवा लिया, और अब रिजेक्ट करवाने का काम हमारे सर पे डाल दिया। तुम दोनों कुछ करो ना, वो लड़का सुबह हमसे मिलने वाला है, हम उसे शादी नहीं करना चाहते। फिक्र मत कर खुशी, शादी तो हम दोनों को भी नहीं करेंगे, अगर हम तेरी शादी होने दें। और ये सब हम कैसे करेंगे मिस श्रुति? मुझे लगता है इसका सिर्फ एक ही सलूशन है। क्या? यही कि लड़की को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उसे कहें कि लड़की अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, शी इज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। आई एम श्योर कि कोई भी अकलमंद लड़का ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहेगा। फैंटास्टिक, हम घर पहुंचकर उस लड़की का पता तुम दोनों को दे देंगे, तुम उसे रिश्ता तुड़वाकर हमें बता देना। क्या कहा तूने? हमें बता देना। नो डार्लिंग, हमें बता देना। मतलब? मतलब ये कि लड़की के पास तुम जाओगी, हम नहीं। हम? हाँ तुम। हम जाकर क्या कहेंगे? जाने मन, why fear when we are here? वो हम तुम्हें बताएंगे। सुनो, Hi, I'm Vishal. Hi, मैं खुशी, जानता हूँ। Thank you. बैठने के लिए नहीं कहेंगी? Yeah, please. I'm sorry. खुशी जी, सच मानिए आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी हुई क्योंकि हमारा रिश्ता पक्का होने से पहले आपने मिलने की सोची। इससे हमें एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। मैंने तो अपने डैड मॉम को पहले कह दिया है कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। आपकी क्या राय है? क्या आप मुझे पसंद करती हैं? जी नहीं। क्या? यही कहने के लिए हम आपसे मिलना चाहते थे। आप हमारे ख्वाबों के राजकुमार नहीं हैं। ख्वाबों के राजकुमार? कैसे हैं ये आपके ख्वाबों के राजकुमार? हमारे ख्वाबों का राजकुमार, वो लंबा हो, खूबसूरत हो, जिसे जिंदगी से बहुत प्यार है, वो जहां जाए वापस खुशियां बिखेरते हैं, जिसके साथ जिंदगी हंसते हंसते गुजर जाए, और जिसे देखते ही हमारे होश उड़ जाए। एक्सीलेंट जी, ये सारी खूबियां तो मुझ में है, सिर्फ ये आखिरी छोड़कर कि अभी तक आप होश में। देखिए, कुछ भी हो जाए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। क्यों? आप किसी और से शादी करना चाहती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हम शादी ही नहीं करना चाहते। यही कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया? रिश्ते के लिए तो आप वहां पर भी इनकार कर सकती। हमारी माँ हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, इसलिए विशाल जी प्लीज प्लीज आप हमें रिजेक्ट कर दीजिए। बट व्हाई? मैं आपको पसंद करता हूँ। देखिए विशाल जी, प्लीज प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये शादी नहीं करना चाहते।
और हम आपके लिए अच्छी पत्नी साबित नहीं होंगे। ओके, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही। थैंक यू वेरी मच। तो फिर कल। ओके जी, जाने के बाद तेरी माँ अकेली रह जाएगी। तो फिर क्यों हमारी शादी करें? क्यों अपने आप से अलग करें तुम्हें? शादी वो पवित्र बंधन है जो दो इंसानों को, दो दिलों को जोड़ता है, दो परिवारों को एक साथ लाता है। लेकिन ये बंधन ही तो है ना, और हम किसी बंधन में नहीं बनना चाहते। ऐसा नहीं कहते बेटा, अगर मैं भी तेरी तरह सोचती तो कभी तेरे पापा से शादी नहीं कर पाती। बेटा, जिस तरह तेरे पापा ने मुझे खुशियां दी, उसी तरह विशाल भी इस खुशी को ढेर सारी खुशियां देगा। विशाल बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा, अब बहुत रात हो गई है, सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। माँ, एक बात तो आपने ठीक कही, विशाल है तो अच्छा लड़का। हाय, आई एम विशाल। मैंने तो अपने डैड मॉम को पहले कह दिया है कि आप मुझे बहुत पसंद हैं। ओह माय गॉड, ये हमने क्या किया? विशाल हमारे ख्वाबों का शहजादा ही तो है, और हमने उसे ही इनकार कर दिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। आ गए तुम लोग अपने सहेली के होने वाले हस्बैंड को देखने? भाई, वो तुम दोनों से नहीं पूछेगी तो और किसे पूछेगी? तुम दोनों उसकी सबसे प्यारी सहेली है जो ठहरी। हाँ मम्मा, लेकिन हमारी वो प्यारी सहेली है कहाँ? अपने बेडरूम में। जाओ तुम लोग उसको मिल लो। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? हम शादी करना चाहते हैं। क्या? आंटी ने तुझे शादी के लिए फोर्स किया है ना? नहीं शुरू, तुम गलत समझ रही हो। तुम दोनों को याद है हमने तुम दोनों से कहा था कि अगर हम शादी करेंगे तो सिर्फ अपने ख्वाबों के राजकुमार से ही करेंगे, और कल अचानक हमें इस बात का एहसास हुआ कि विशाल ही हमारे ख्वाबों का राजकुमार है। हम उसे बहुत पसंद करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। ये कोई सपना है नहीं, ये एक भयानक सपना है। आखिर तू हमसे चाहती क्या है? मैं बताती हूँ ये हमसे क्या चाहती है। ये चाहती है कि हम उसके सपनों के राजकुमार को शादी के लिए हाँ कहलवाए। QED, quite easily done। हाँ, उसको फोन करते हैं। नंबर बता। 409-1058। हेलो, विशाल साहब है? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? 15 मिनट पहले घर से निकल चुके हैं। ओह गॉड, ये मिस्टर विशाल अपने पेरेंट्स के साथ तुम्हारे घर में कितने बजे आने वाले हैं? 11 बजे। बैठिए ना प्लीज। थैंक यू। हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे, हम थोड़ा सा ट्रैफिक में थे। लड़का बुरा नहीं है पर ना करने आया है, अब क्या होगा? बिरला जी, आपने तो घर बहुत अच्छा लगा। आओ बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, पहले से इतना सारा मौजूद है। कम ऑन आंटी, मेहमानों की जितनी खातिरदारी की जाए ना उतनी कम होती है।
नीलम जी, ये दोनों ही खुशी की प्यारी सहेलियां हैं। ये है संजना और ये है श्रुति। नमस्ते। समझ लीजिए तीनों मेरी बेटियां हैं। और ये है विशाल के मम्मी पापा। और ये है मिस्टर विशाल। ओ हेलो। हाय खुशी, तुम विशाल को कुछ ठंडा नहीं पिलाओगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। अब तो खुशी भी आ गई है, मुझे आप लोग से कुछ कहना था। ओह माय गॉड, शी सॉरी, शी सॉरी। कपड़े खराब कर दिए, आई एम सॉरी। खुशी बेटा, आपका ध्यान कहाँ है? आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपका ड्रेस ठीक करा देती हूँ। नहीं नहीं बिमला जी, ठीक है, आई एम ऑलराइट। नहीं प्लीज प्लीज मेरे साथ चलिए। आई एम रियली सॉरी। बेटा तुम कुछ कहना चाहते हो? अंकल आपने तो कुछ पिया ही नहीं। थैंक यू बेटा, बहुत कुछ खा पी लिया, आई एम फाइन। नहीं अंकल, ग्रेप जूस तो खुशी ने खुद बनाया है, उससे बुरा लगेगा। प्लीज प्लीज अंकल प्लीज। ओके बेटा। संजना। ओके। और संजना टाइम क्या हो रहा है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, ओह गॉड, शी इज रियली सॉरी। इट्स ओके, थैंक गॉड मैंने आप लोगों से चाय या कॉफी नहीं मांगी, वरना गर्मा गर्म। अंकल बाथरूम है ना, उस तरफ है। थैंक्स, एक्सक्यूज मी। मिस्टर विशाल आप फौरन हमारे साथ बाहर चलिए, हमें आपके साथ बहुत जरूरी काम है। हाँ, इससे पहले कि आपके मम्मी डैडी वापस आ जाए। देखिए मेरा यकीन कीजिए, मैं तो ना कहने ही वाला था, मैं तो खुशी का इंतजार कर रहा था। जल्दी चलिए वरना आपके ऊपर मैं गर्म चाय कॉफी गिरा दूंगी। कम ऑन, चलो चलो चलो। मिस्टर विशाल, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसका अंदाजा तो मैंने तभी लगा लिया था जब मम्मी डैडी के साथ आपने वो हरकत की थी। स्मार्ट बॉय मिस्टर विशाल, हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। पूछिए। खुशी को आपने फंक्शन में देखा था? जी हाँ। और देखते ही वो आपको पसंद आ गई? जी। और इतनी पसंद आ गई कि आपने अपने मम्मी डैडी को रिश्ता लेकर भेज दिया? और अब आप यहाँ पर नाक लेने आए हैं? करें। कैसे अजीब आदमी है आप। आप ही ने कहा था ना कि खुशी आपको पसंद है। लेकिन खुशी तो चाहती है कि मैं ना कहूँ। अच्छा, तो आप वही करेंगे जो खुशी चाहती है? हाँ। ठीक है, तो खुशी चाहती है कि आप हाँ कर दें, इसलिए अपनी मुंडी हिलाइए और हाँ कहिए। ओफो क्यूईडी, अब खुशी आपको पसंद करती है और वो चाहती है कि आप हाँ कहिए। ये बात मैं खुशी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि आप हाँ कर दें। अरे विशाल और खुशी कहाँ हैं? वो लोग गार्डन में बात कर रहे हैं। जैसे अंदर धड़ाधड़ चीजें गिर रही है ना, ऐसे में तो बाहर बैठना ही अच्छा है। अच्छा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, फैसला करने से पहले एक दूसरे को जान ले तो अच्छा ही है, आखिर जिंदगी तो इन दोनों को ही साथ में गुजारनी है। हाँ, और अगर हमें पता होता ना कि ये दोनों बात करने वाले हैं तो हम भी इतनी तकलीफ नहीं उठाते। कौन सी तकलीफ? यहाँ पर आने की। अरे तुम दोनों यहाँ कैसे नहीं आती? भाई साहब, ये दोनों खुशी की हर फैसला लेने में मदद करते हैं, और फिर ये तो खुशी की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। वो तो है। आ गए दोनों। तो विशाल बेटा, तुम कुछ कहना चाह रहे थे? कब? अब वो ट्रे कांड से पहले। आंटी एक्चुअली खुशी मुझे पसंद है, और अगर खुशी भी मुझे पसंद करती है तो आप लोग शादी की तारीख पक्की कर सकते हैं। अब बेटा तुम्हारा क्या जवाब है? अरे मुबारक हो बहन जी, अब शुभ काम में देरी कैसी, साथी के दिन इन दोनों की सगाई कर देते हैं और दिन भी शुभ है। बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी भाई साहब। अब हमें इजाजत दीजिए। चलिए। नमस्ते। अरे नहीं नहीं, ये हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या? हम ये शादी नहीं करना चाहते। क्या? क्या?
हाँ।